अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक के फजल और करम के साथ मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जल्दी से जी कर ले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, तो मेरी वीडियो को करिएगा एंड तक वॉच। अगर आए आपको पसंद तो इसको लाइक भी जरूर करिएगा और शेयर भी कीजिएगा, इससे जी मेरी हौसला अफजाई होगी और अच्छी बातें दूसरों तक शेयर करना भी सीखता है जा गया है। चलें जी, अल्लाह पाक ने हमें बहुत सारी नेमतों और रहमतों से नवाजा है, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह पाक ने जो हमें हाथ पाँव आँखें बोलने के लिए मुंह जुबान चू भी दिया, हम इसकी तकलीक ही नहीं कर सकते हैं इन चीज़ों से। अल्लाह पाक ने ऐसे ही नहीं हमें अशरफुल मखलूकात बनाया गया, हमें अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए। कोशिश करें हम 5 वक्त का नमाजी लाजमी बने। लेकिन एक चीज़ आपको और शेयर करूँगी, देखिए नमाजें पढ़ के आप अल्लाह के बंदे का अगर दिल चीर देते हैं ना, तो वो आपकी नमाजों को भी नहीं अपनाएगा। अगर आप अपने वालिदैन के साथ अखलाक में नहीं ना रह रहे हैं, अगर आपकी आवाज़ उनकी आवाज़ से ऊपर जा रही है, तो यकीन करें आपकी वो नमाजें, आपका वो जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप किसी को कबूल नहीं करेंगे। लिहाजा अपने माँ बाप की कदर करें, उनकी वैल्यू करें, उनकी खिदमत करें, उनके लिए अच्छी 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 से अच्छी चीज़ घर में लेके आए। ये जो हम कहते हैं ना 5 वक्त का नमाजी है बड़ा मुंडा, ये बड़ी कुड़ी 5 वक्त नमाजी है जी, कोई फायदा नहीं है आपका नमाज पढ़ने का। कोई फायदा नहीं अगर आपका माँ बाप आपसे राजी नहीं है ना, आप उनका दिल चीर देते हैं और आपका अखलाक आपकी गली वाले मोहल्ले वाले या रिश्तेदारों के साथ खराब है, अच्छा नहीं है, तो आपके लिए ये चीजें कोई मायने ही नहीं रखती है। अल्लाह पाक ने हमसाय का हकूक रखा, रिश्तेदारों का हकूक रखा है, और माँ बाप के लिए तो जन्नत ही हराम कर दी इस बंदे को। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदबख्त है वो इंसान कि जिसके माँ बाप जिंदा है और वो उसकी खिदमत नहीं करते। माँ बाप की कदर करें, खिदमत करें, आपको फल खुद ही लग जाएंगे। झुकने वाले को हमेशा फल लगता है, जो अकड़ के रहता है ना उसको कभी फल नहीं लगता। ये याद रखिएगा कि आजजी इख्तियार करें, अपने माँ बाप अपने बहन भाइयों के साथ दिल के साथ अपनाइत के साथ मिले। कोई किसी के मुंह से कोई निवाला नहीं छीन सकता, वो मेरा रब नवाजने वाला है सबको, वो मेरा रब देने वाला है। तो फिर आप क्यों लोगों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने बहन भाई अपने माँ बाप के साथ ऐसा सब बिहेवियर करते हैं? नहीं करना चाहिए। आज ही अपनी आंखों को संवार ले। माँ बाप के माँ के कदमों तले अगर जन्नत है, तो बाप उसकी चाबी है ना। बहुत प्यार रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, मैं आपको